हेलो फ्रेंड्स, वायरस वाले जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसी के कंटिन्यूशन में हम फिर से आज यहाँ पर आमने सामने हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि कुछ इम्पॉर्टेंट वायरसेस के स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट वायरस के स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला जो वायरस आता है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। जाना चाहता है। इस वायरस की जो सिमेट्री है वो हेलिकल होती है। इसका जो डीएनए है वो सॉरी आरएनए जो है वो हेलिकल हेलिकल जो है स्ट्रक्चर इसका होता है। और जब भी इसका इन्फेक्शन होता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और डार्क जो ग्रीन कलर है उसके ब्लिस्टर्स पौधे के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। तो ये जो वायरस है इसमें लंबी जो छड़ है इसकी वो 3000 एंगस्ट्रॉम की इसकी रॉडनुमा फ्लेक्सिबल रॉडनुमा जो है हेलिकल की लंबाई होती है और 150 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। तो इस लंबाई और चौड़ाई के साथ और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 लाख के करीब इसका होता है। प्रोटीन कोट जो इसकी है वो 2130 सब यूनिट्स की बनी होती है, यानी कैप्सिड जो है 2130 सब यूनिट्स की बनी हुई कैप्सिड इसमें प्रेजेंट होती है। और ये कैप्सोमियर्स जो हैं, जो हम कह रहे हैं कि प्रोटीन यूनिट्स जो हैं वो एक हेलिकल अरेंजमेंट्स में होते हैं। तो जैसे ये है तो इस तरह से इस तरह के हेलिकल अरेंजमेंट में ये जो कैप्सिड्स हैं वो लगे रहते हैं और एक तरीके की जो हॉलो ट्यूब है वो इनमें इनके अरेंजमेंट से बन जाती है। कि अगर हम मान लीजिए जैसे कोई झालरयुक्त डोरी है जिसमें झालरें लगी हुई हैं, अगर हम उन डोरियों को चारों तरफ से लपेटें तो हम देखते हैं एक फ्रॉक की घेरनुमा स्ट्रक्चर उसमें आ जाएगा। तो उसी तरह से ये हेलिकल अरेंजमेंट्स में कैप्सोमियर्स उसमें लटके हुए होते हैं और एक बीच में हॉलो ट्यूब्स बन जाती है। ये जो आरएनए आपको दिखाई पड़ रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है इसमें और जो ट्यूब सी जो बन जाती है बीच में उसकी डायमीटर 40 एंगस्ट्रॉम होती है। और आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर पूरा झंसा हुआ सा होता है और इसकी जो हॉलो ट्यूब होती है उसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल करीब करीब धंस सा जाता है कैप्सोमियर में। इसके पूरे स्ट्रक्चर में 90% प्रोटीन होता है और 5% न्यूक्लिक एसिड होता है। टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसका 2 मिलियन के करीब होता है, यानी 20 लाख इसका डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है न्यूक्लिक एसिड का।
और 40 मिलियन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसके प्रोटीन संरचनाओं का। प्रत्येक जो इसकी ये हेलिकल है इसमें जो है करीब करीब 16.5 अराउंड जो है 16 × 1/3 इतने कैप्सोमियर एक हेलिकल के राउंड में पाए जाते हैं। इस राउंड में इतने हेलिकल्स पाए जाते हैं। 3 कॉइल्स जो है 49 की बैठती है। इसमें अगर ये 3 कॉइल्स 3 राउंड में रहेंगे तो ये 49 के करीब जो है होते हैं। टीएमबी जो है ज़्यादातर वो सोलनेसी कुल के प्लांट्स में ज़्यादा लगता है। तो ये हमारा शॉर्ट सा टीएमबी का स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद हम आते हैं बैक्टीरियोफाज पे। बैक्टीरियोफाज जो है अगला हमारा वायरस है, इसलिए देखते हैं कि क्या जो है बैक्टीरियोफाज नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वायरस है जो कि काफ़ी कॉमन और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है और उनको बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और इसका सबसे पहले जो स्ट्रक्चर की खोज की थी वो ट्वार्फ एंड डी हेनले ने 1917 में। इसको सबसे पहले उन्होंने देखा था। और इसमें जो है कई सीरीज होती है, जैसे टी ईवन सीरीज, एफ भी होता है, एफ सीरीज के वायरसेस भी इसमें होते हैं। तो एफ वन जो है वो आरएनए होते हैं और एफ टू डीएनए होते हैं। टी ईवन सीरीज के वायरसेस जो हैं वो डीएनए होते हैं और टी अनईवन सीरीज के वायरसेस भी जो है इसको हम जैसे मान लेते हैं टी ईवन सीरीज और अनईवन सीरीज से हमारा मतलब ये है कि हम टी वन टी टू टी थ्री अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ये तो हो गई अनईवन, ये हो गई ईवन। तो अनईवन और ईवन दोनों ही डीएनए वायरसेस के बने हुए होते हैं। टिपिकल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज टी फोर, क्योंकि एक ईवन सीरीज का वायरस होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे मेनली जो है वो हमें क्यूबॉइडल हेड दिखाई पड़ेगा। का स्ट्रक्चर करीब करीब हमें इसका दिखाई पड़ता है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन जो है वो हेड के अंदर है, ये शीट है, इसको हम टेल भी कहते हैं। जो नीचे का पोर्शन है ये टेल कहलाता है। और ये जो पोर्शन है जो हम ये फ्लैट सा दिख रहा है इसको हम गोल भी बना सकते हैं, प्लेट है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो सारा का सारा इस वायरस में पाया जाता है। टेल जो है उसमें कई टेल फाइबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये टेडपोल की तरह से हेड होता है और बाकी जो है टेल जो है हमें लंबी देखने को मिल रही है। ये प्रिज्म के आकार का
हेड हमें इसमें दिखाई पड़ता है, और सिलेंड्रिकल इसका जो शीथ है वो होता है। हेड और टेल की लंबाई करीब करीब इसमें बराबर होती है, ऐसा नहीं है कि टेल जो है यहाँ पर ये इक्वल लंबाई हमें देखने को मिलती है। और जिसमें जो ये बाहरी कोट हमें दिखाई पड़ रहा है, ये कैप्सोमियर्स का नेचुरली बना हुआ होता है, कैप्सिड कहलाता है। और हेड और टेल के बीच में कॉलर जो है वो कहलाता है। तो हेड और टेल के बीच में ये कॉलर वाली जो संरचना है वो है, ये बेस प्लेट कहलाती है। तो बेस प्लेट जो है वो उसकी सहायता से, बेस प्लेट की सहायता से ये जो है वायरस कहीं पर भी चिपका हुआ हो सकता है, किसी भी सतह से ये चिपक जाता है। 6 टेल के फाइबर्स इसमें हम इधर से दिखा नहीं सकते, मगर मैं दिखा लेती हूँ आपको। 6 टेल फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं, और ये सारे जो टेल फाइबर्स हैं वो चिपकने के काम आते हैं। इनकी जो लंबाई है वो 1300 एंगस्ट्रॉम होती है, 1300 एंगस्ट्रॉम लंबी टेल फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें हेड में 2000 कैप्सोमियर होते हैं इसके हेड में, और 80,000 प्रत्येक का मॉलिकुलर वेट होता है। टेल जो है वो स्प्रिंग लाइक 24 कॉइल्स की बनी हुई होती है, और जो इसके फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, और हेलिकल सीरीज में ये सारे के सारे अरेंज्ड होते हैं। बैक्टीरियोफाज जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। ई कोलाई जो कोलाई फाज कहलाते हैं, जो सॉइल पर भी होते हैं, बॉडी पर भी होते हैं, फ्रूट्स में लग सकते हैं। और 5H174 भी एक अलग प्रकार का बहुत ही पॉपुलर है। टी इवन और टी अन इवन प्रकार के भी हो सकते हैं। तो ये जो है वायरसेस के सामान्य दो जो है इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। अगले टर्न पे हम वायरसेस का रिप्रोडक्शन, इसके जो साइकिल्स हैं, लाइफ साइकिल्स, वो देखेंगे। थैंक यू।